क्वेश्चन दे रखा है, इफ इन टू ट्राइंगल्स एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, एबी अपॉन क्यूआर इज इक्वल टू बीसी अपॉन पीआर इज इक्वल टू सीए अपॉन पीक्यू, देन ऑप्शन आप लोगों के पास में है, ट्राइंगल पीक्यूआर इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीएबी। हम सिर्फ एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए अपन ऑप्शन सारे ले रहे हैं, पता चले कि क्या पूछा है उन लोगों ने। सेकंड, ट्राइंगल पीक्यूआर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। नेक्स्ट, ट्राइंगल सीबीए इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर एंड डी वन इज ट्राइंगल बीसीए इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। इस वाले क्वेश्चन से आप लोगों को यह समझ में आएगा कि जो मैंने आपको बोला था कि डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी होता है, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है कि भाई एबी और पी क्यू, तो वो आपके आमने सामने बनने चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और डायग्राम ही ड्रॉ कर लीजिए सीधे सीधे, क्योंकि वैल्यूज लिखवाने करने में टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, तो डायग्राम ले लीजिए। ए बी सी डी, अरे पेंसिल स्केल की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रफ ड्रॉ कर लो, प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे हैं। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, इधर की तरफ है 50 डिग्री, बीच में पॉइंट दे रखा है पी, ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, बीच में पॉइंट पी, और ऐसे ही दे रखा है कि दो लाइन सेगमेंट्स हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे, वैल्यूज दे रखी है, देन एंगल पीबीए इज इक्वल टू, क्वेश्चन है एंगल पी बी ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इट इज 50, 50 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट वन इज 100 डिग्री। हमें एमसीक्यू करना है, इसलिए आप सिमिलैरिटी वगैरह अपने मन में प्रूव करिए, है ना, ऐसा पूरा टू प्रूव गिवन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझिए कि हाँ भाई ये सिमिलर बन रहा है, तो उसको ड्रॉ करिए और उसके हिसाब से जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, उन सबको इक्वल लेकर सॉल्व करिए। नेक्स्ट, इन टू ट्राइंगल्स डी एफ एंड पी क्यू आर, डी एफ एंड पी क्यू आर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, डायग्राम नहीं बताऊंगी, ठीक है, हाँ, क्योंकि वो पी क्यू आर लिखते ही समझ में आ गया कि अलग बन रहा है, अपने आप ड्रॉ करिए। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई, देन विच इज नॉट ट्रू, जो भी ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें से विच इज नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर ए इज ई एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू, सेकेंड डीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ई एफ अपॉन आर पी, डीई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू एंड लास्ट वन इज ई एफ अपॉन आर पी इज इक्वल टू डीई अपॉन क्यू आर। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ,
इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई कॉमा एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी एंड ए बी इज इक्वल टू थ्री डीई ए बी इज इक्वल टू थ्री डीई फुल स्टॉप. देन द टू ट्रायंगल्स आर देन द टू ट्रायंगल्स आर फर्स्ट ऑप्शन congruent but not similar, congruent but not similar. Second, similar but not congruent. Third, neither congruent nor similar. दोनों ही नहीं है. Neither congruent nor similar. और fourth, congruent as well as similar. ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी. इट इज नॉट ए बी अपॉन पी क्यू. इसमें आप लेंगे ए बी अपॉन क्यू आर. ये चेंज करिए. ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू. दोनों जगह पी क्यू आ गया था. चेंज करिए. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए बी सी और पी क्यू आर हमें दिया है तो हम ए बी सी और पी क्यू आर ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे. हमें क्या लेना है ए बी अपॉन क्यू आर. तो ए बी के सामने हमारे पास में आना चाहिए क्यू आर. ठीक है. अब वो क्यू आर कैसे आएगा अभी वो भी देखते हैं. अभी अपन ने ले लिया क्यू आर तो डेफिनेटली यहाँ पर पी आ जाएगा. उसके बाद दिया है बीसी के सामने पी आर तो बीसी के सामने पी आर बीसी उसके बाद क्या आना चाहिए पी आर यहाँ पे. सही है. चेंज करू. अच्छा चलिए. उसके बाद में हमारे पास में आ रहा है सी आर सॉरी सी ए और उसके सामने आएगा पी क्यू. कैसे आएगा नहीं आ रहा ना. मतलब P यहाँ पर रखी है R यहाँ पर रखी है. वापिस से रीचेक करिए. AB के सामने QR ठीक है. BC के सामने PR तो ये BC के सामने PR और थर्ड वन CA के सामने PQ तो ये CA इसके सामने आ रहा है PQ. तो अब ट्रायंगल हुआ PQR और P के सामने कौन सा आ रहा है C तो ये CAB. आपका जो भी है वो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा. ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए बी. सेकेंड वाले क्वेश्चन को इस वाले के लिए स्टूडेंट ने सॉल्व किया. ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी विच इज इक्वल टू 50 डिग्री. रीजन हम यहाँ देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री. रीजन जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अब ये पार्ट 30 डिग्री आ गया. अब ये वाला एक ट्रायंगल ले लीजिए तो ये 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस इसको आप एक्स ले लीजिए तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 50 प्लस 30 इज 80 तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 यानी आंसर आ गया 100 डिग्री. तो सेकंड वाले का सही ऑप्शन है डी. इट इज 100 डिग्री. थर्ड वाले में आपको दिया था कि टू ट्रायंगल्स DEF एंड PQR. पहले लाइन में तो हमारी इच्छा हो जाती है कि हम DEF और PQR ऐसा ड्रॉ कर दें. ऐसी इच्छा हो ही जाती है पर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू. तो डी के साथ में कौन आना चाहिए क्यू आना चाहिए. तो ये सब कुछ रब कर दीजिए. उसके बाद में बोला है एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई. तो जहां पर ई है वहां पर आना चाहिए एंगल आर. तो डेफिनेटली आपके पास पी का ऑप्शन यहाँ पे बचा. इट इज नाउ पी क्यू आर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. तो पहले टू देख ले
ED अपॉन क्या दिख रहा है UR is equal to EF upon RP is equal to DF upon QP पता चल रहा है। अब इसमें से जो ऑप्शन आपको ना मिल रहा हो नॉट ए ट्रू वो आपको मार्क करना है आंसर। हाँ आप सब लोगों ने करा है, इट इज DE अपॉन PQ, यहाँ पर कहीं पर भी DE नहीं है, यहाँ पे DF है, EF upon RP, तो यहाँ पे DF दे रखा है और यहाँ पे DE दे रखा है, तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, तो हमारे लिए करेक्ट आंसर है विच इज नॉट करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एबीसी और डीईएफ दे रखे हैं, उसमें भी आपको ऐसा का ऐसा ड्रॉ करना है कि एबीसी और डीईएफ ड्रॉ करेंगे, तो एबीसी पहले ले लो, उसमें बोला है कि बी इज इक्वल टू ई, तो बी के सामने ई है, उसके बाद में एफ और सी इक्वल है, तो ये एफ और सी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, तो साइड्स का रेशियो जो है दे आर नॉट गिवन इक्वल, क्या दे रखा है कि AB is equal to 3, DE, they are given in some ratio. So they are similar, but they are not congruent. Congruent the